Hello my friend, Namaskar. So in this video we are going to see linear programming, and which is very very important part of your CAIB, जो आपका एग्जाम होता है और उसमें होता है ABM. So उसके अंदर न्यूमेरिकल आ सकता है आपका एक या दो नंबर का, 1 या 2 marks. So this is very easy अगर एग्जाम में आता है. So I will teach you how to solve this question. So here we are going to take 3 examples. तो इसमें से हो सकता है कि 1 question डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन आस्क यू नो एग्जाम. सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ माई कैमरा सो दैट कि स्क्रीन और ज़्यादा अच्छे से हो सके कवर. सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. आई विल गोइंग टू जूम इट लिटिल बिट, सो आई होप इट इज विजिबल टू नाउ. सो लेट सी द अवर फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 2x + 3y. द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ पॉइंट्स द बाउंडेड द फिजिबल एरिया. तो यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू गिवेन है. फाइंड द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड विच इज़ वेरी इजी. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट ऑल द पॉइंट्स. तो स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन लिखनी है, जेड इज इक्वल टू 2x + 3y. नाउ यू हैव रिटन, नाउ यू नीड टू राइट ऑल द पॉइंट्स. मैं जैसे एक पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे 3, 3. नाउ फिर बी का पॉइंट लिखता हूँ 20, 3. नाउ आई विल राइट सी 20, 10. ठीक है. सो ऐसे आपको जितने भी हैं पॉइंट्स वो लिखने हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. सो व्हेन आई पुट x + 3y, सो आई विल गेट 2 × 3 = 6 + 3 × 3 = 9. सो आई विल गेट 15. ओके. सो फॉर दिस पॉइंट आई गेट द जेड वैल्यूज 15. नाउ आई विल चेक फॉर बी पॉइंट. सो 2 × 20 + 3 × 3, राइट. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. सो हाउ मच गेट 40 + 9, इट इज 49. सो फॉर बी आई गेट 49. सो नाउ आई विल सॉल्व द पॉइंट सी. 2 × 20 + 3 × 10, हाउ मच गेट 40 + 30, इट इज 70. सो जेड वैल्यू 70. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू पुट ऑल द You need to solve all the points by putting the variable into the equation. Now you need to find the minimum value that if you solve all the points, you will get 15 as your minimum value. Jaise 15 hai, 49 hai, 70. So in my minimum 15 aa raha hai. Aise bhi aap aur jo hai points usko solve karoge, so you will get 15. So right answer will be 15 of this question. So this is very easy. Now we see another type of question which can ask in your question. So this is question. How many of the following points satisfy the inequality? So one equation is given and the points are given. So you need to put all the values. So I will write the equation here. 2x plus, I'm sorry, इसको थोड़ा मिटा देते हैं. 2x minus 3y is greater than minus 5. So this is the equation, it is given. So I am going to put my first point 1, 1 into the equation. So this is the value x and this is the value of y. How much I will get? I will get 2 × 1 - 3 × 1. So I will get minus 1 is greater than minus 5. Yes, minus 1 is greater than minus 5. So yes, 1 point ho gaya. So I will check another point, -1, 1. It is given. ये वाला point यहाँ पे लिख लिया मैंने. Same, I will put this is the value of x, this is the value y. 2 × -1 and -3 × 1. So it is -2 and -3. How much? It is -5. Is -5 is greater than -5? No. So this is no. Now I will check one more point. Oh, really? Made a mistake here. No mistake is made here. Now I will check one more point. 1, -1. So 2 × 1 - 3 × -1. So it will give you 2 and -3. So 2 + 3, how much? 5. So +5 is greater than -5. Yes. Now I will check another point. It is -1, -1. 2 × -1 - 3 × -1. So -2 × -1 - 2, -1 is plus. So it will give you +3. So -2 + 3 + 1.
So is plus 1 is greater than minus 5? Yes. So this is how you need to put all the value. You need to count the right value. कितने राइट हो गए? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया. ऐसे ही आपको यहाँ पे राइट जो वैल्यू होंगे विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो यू विल गेट 5 एज अ टोटल. जैसे एक दो तीन यहाँ पे आ रहा है, तीन आ रहा है. ऐसे ही आप जो और रिमेनिंग है पॉइंट्स इफ यू पुट, यू विल गेट योर आंसर 5 हियर. सो राइट आंसर विल बी 5 हियर. ठीक है. नाउ चेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन आस्क इन योर लीनियर प्रोग्रामिंग. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज, अगर ये एग्जाम में आता है तो ये 2 मार्क्स का आपका पक्का पक्का आएगा. 2 मार्क्स क्वेश्चन इट इज. ठीक है. सो वन काइंड ऑफ केक इज रिक्वायर्ड 300 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 15 ग्राम ऑफ फैट. ओके. अनदर केक इज रिक्वायर्ड 150 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 30 ग्राम ऑफ फैट. अज्यूमिंग दैट देर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रीडियंट्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द केक. यहाँ पे कोई भी आपकी कोई भी शॉर्टेज नहीं है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 7.5 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 600 ग्राम ऑफ फैट. यू नीड टू सॉल्व इट. सो बेसिकली इट इज ए इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ. सो इन योर क्लास 10th यू हैव स्टडीड मैथ. सो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा है, बस लेकिन इक्वेशन के अंदर रख दिया है इसने. सो 11th के अंदर आपने लीनियर इक्वेशन देखा होगा इन योर मैथ क्लास. सो वहीं से ये क्वेश्चन आ रखा है. सो वी विल सी हाउ टू सॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक इक्वेशन यूजिंग द फ्लोर. सो आई एम हैविंग 300 ग्राम ऑफ फ्लोर. सो आई विल पुट एज 300x प्लस आई एम हैविंग हाउ मच 150 ग्राम ऑफ फ्लोर. आई विल पुट 150 ग्राम एज ए वाई. एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम 7.5 kg ऑफ फ्लोर. तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आटे की, जिसको फ्लोर कहते हैं. 7.5 kg, जो ये कितना हुआ आपका 7500, इज लेस देन इक्वल टू 7500 ग्राम. सो इसको मैं ले सकते कुछ भी. व्हेन आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 150, क्योंकि 150 यहाँ पे मुझे मिल रहा है कॉमन. सो आई विल गेट 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 15 से करेंगे तो 15 30 फाइव टाइम जाएगा ये. आई विल गेट 50 हेयर. सो दिस इज माई इक्वेशन वन. दिस इज माई इक्वेशन वन. नाउ आई विल मेक अ इक्वेशन फॉर द फैट. ये जो लिखा है ना फैट, इसके लिए 15 ग्राम ऑफ फ्लैट फैट, सॉरी इट इज, लेट सपोज इट इज एक्स प्लस 30 ग्राम ऑफ फैट, 30 ग्राम ऑफ फैट इट इज वाई, इज लेस देन इक्वल टू हाउ मच 600 ग्राम ऑफ फैट. 600. नाउ आई कैन सी 15 इज कॉमन. सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 15. आई विल गेट एक्स प्लस 2y, 15 30 60 4. आई विल गेट 40 हेयर. सो दिस इज माई इक्वेशन टू. नाउ आई गॉट इक्वेशन टू. नाउ लेट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन वन. सो इक्वेशन वन मेरी है क्या, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50. इफ आई पुट x की वैल्यू 0 एंड और y की वैल्यू 50, आई विल गेट द रिजल्ट. सो आई विल गेट 0 प्लस 50, y इज लेस देन 50 इंटू 1, आई विल गेट लेस देन इक्वल टू 50. तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर दिस पॉइंट. सो आई एम गेटिंग द इक्वल वैल्यू टू द 50. नाउ आई विल पुट सेम रिवर्स. इफ आई पुट 25 वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू 0, I will get 25 into 2 kitna 50 plus 0 is less than equal to 50. Yes. So this is the maximum value. So these two point will give me maximum value. ठीक है, ये तो हो गए point इस equation के. Now ये वाली जो मेरी equation, इसमें हम एक बार x की value को 0 रखेंगे और एक बार y की value को 0 रखेंगे. So if I put x की value 0, if I put x as 0 and y is equal to 20. So 0 ये हो जाएगा आपका 40 less than equal to 40. So yes, this is the maximum value I can get here, 40. So this is equal. Now I will put y value 0. Now what can I put here? I can put 40. So x ki value ho jayegi 40 plus 0 and equal to 40. So this is the maximum equation. So I will get here 40 comma 0. Now let plot this value in our graph. So let's suppose this is the value of x and this is the value of y. So ye wala jo hai हमारा पॉइंट, इसको हम रखते हैं पहले.
सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल 20. लेट्स सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. सो यहाँ पे जीरो जीरो होंगे आपके, जीरो कॉमा जीरो. सो हेयर आई गेट 0,20. ओके, दिस इज माई पॉइंट. एंड लेट पुट दिस पॉइंट, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट. वाई आई एम सॉरी, एक्स वैल्यू इज 40, वाई पॉइंट इज जीरो. सो जीरो है. सो लेट सपोज 40 हेयर. सो दिस इज माई 40,0. ओके, नाउ आई विल पुट दिस पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट नंबर 3, 0,50. सो 0,50 में एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और वाई की वैल्यू 50 हो जाएगी. तो 50 मान लो यहाँ आता है आपका कहीं पे, ठीक है. यहाँ हम ले लेंगे 0,50. नाउ आई आई विल पुट दिस वैल्यू, एक्स की वैल्यू इज 25, वाई की वैल्यू जीरो. सो एक्स की वैल्यू यहीं कहीं आएगी. सो इट इज लेस देन 40 एंड 20 यहाँ आ जाएगा. तो लगभग 25 मेरा यहाँ आ जाएगा. तो 25,0. नाउ दिस इज योर एक्स वन वैल्यू, दिस इज एक्स वन एंड दिस इज योर वन वैल्यू. सो आई विल ड्रॉ अ लाइन हेयर. ये लाइन हो जाए, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला जो है मैंने पॉइंट इनको किया कनेक्ट. नाउ आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट 0,50. सो दिस पॉइंट एंड 25,0. नाउ आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट. सो इन दिस रीजन आई विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट आई कैन मेक. सो मेरे पास एक पॉइंट ये आगे, एक ये आगे, एक ये आगे. अब ये वाला जो है पॉइंट, अगर आप स्केल से अगर आपने एक्यूरेट होगा इसको ड्रॉ किया, यू विल गेट हेयर. अब देखो यहाँ था आपका एक्स की वैल्यू 25 और यहाँ था आपका एक्स की वैल्यू 40. सो इन बिटवीन यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है. और यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू है, I'm sorry, y की वैल्यू है 20 और यहाँ पे y की वैल्यू 0. सो ये जो पॉइंट है ये कहीं इन बीच में आ रहा है कहीं. सो ये मेरा x की वैल्यू हो गया 20 और ये मेरा y की वैल्यू हो जाएगा 10. सो मेरा ये आ जाएगा पॉइंट 20,10. सो नाउ आई गॉट 4 पॉइंट. हाउ मेनी पॉइंट्स आई गॉट? आई गॉट 4 पॉइंट्स. एक ये हो गया मेरा पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया. इनको मैं लिख लेता हूँ. एक आ रहा है मेरा 0,20, एक आ रहा है मेरा पॉइंट 0,0, एक आ रहा है मेरा पॉइंट 20,10 और एक मेरा आ रहा है पॉइंट 25,0. सो दिस आर द 4 पॉइंट आई एम गेटिंग हियर. ओके, नाउ इफ आई मेक अ इक्वेशन ऑफ जेड, जेड रेस टू एक्स प्लस वाई, बिकॉज वी नीड टू मेक अ केक बाय यूजिंग द फ्लोर FLOUR एंड यूजिंग द फैट. सो अगर मेरा फ्लोर की वैल्यू जीरो होगी और वाई की वैल्यू नहीं, जब फ्लोर की वैल्यू जीरो होगी एंड वाई की वैल्यू होगी 20, हाउ मेनी केक आई कैन मेक? आई कैन मेक 20 केक. व्हेन आई पुट एवरीथिंग जीरो जीरो आई कैन मेक 0 केक. इफ आई पुट फ्लोर वैल्यू एज ए 20 एंड फैट वैल्यू इज ए 10, सो 20 + 10 इन दिस इक्वेशन यूजिंग द फ्लोर एंड फैट. सो आई विल गेट 30 एंड हेयर आई विल गेट 25. सो बाई यूजिंग द 4 पॉइंट आई कैन मेक है 20 केक, 0 केक, 30 केक्स एंड हेयर आई कैन मेक 25 केक्स. सो मैक्सिमम केक आई कैन मेक बाई यूजिंग दिस पॉइंट. सो द मैक्सिमम केक आई कैन मेक दैट इज 30 केक. सो यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन आपका 30. सो ऑप्शन सी विल बी राइट. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था लेंथी. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर.